आज हम फिर से मिल रहे हैं न्यू लेसन के साथ। अब तक हमने बहुत सारी मात्राएं देखी, जैसे कि ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा। आप देखने वाले हैं हम ओ की मात्रा, क्या देखने वाले हैं? ओ की मात्रा देखने वाले हैं। तो आप लोग पेंसिल और नोटबुक लेके बैठे होंगे, बराबर। तो आइए पहले आप लोगों को लिखना नहीं है, पहले सिर्फ आप लोगों को मेरे पीछे बोलना है, ओके? तो बोलो बच्चों, तो को ओ की मात्रा को, ख को ओ की मात्रा को, ग को ओ की मात्रा को, ग को ओ की मात्रा को, च को ओ की मात्रा च, छ को ओ की मात्रा छ, ज को ओ की मात्रा ज, ज को ओ की मात्रा ज, ट को ओ की मात्रा ट, ठ को ओ की मात्रा ठ, ड को ओ की मात्रा ड, ड को ओ की मात्रा ड, न को ओ की मात्रा न, त को ओ की मात्रा त, थ को ओ की मात्रा थ, ड को ओ की मात्रा ड, ध को ओ की मात्रा द, न को ओ की मात्रा न, प को ओ की मात्रा प, हाँ, बहुत अच्छा। अब ये होगी
ओ की मात्रा, वेरी गुड। ये क्या है? ल और बड़ी की मात्रा, य और आ की मात्रा। तो क्या शब्द बनाना है? देखिए तो वो ओ की मात्रा लगानी है, तो ल को की मात्रा लगानी है। तो ये देखिए यहाँ से, हाँ, और ये ला तो या हुआ क्या ये शब्द? तो ली या। अब देखते हैं आगे, देखो न को औ की मात्रा, ग को आ की मात्रा, न को औ की मात्रा, देखो नौ, नौ का, नौ का, नौ का ही कहते हैं। नौ का कब कहने वाले हैं हम लोग? जब मराठी में उच्चारण करेंगे तब। अब हिंदी में क्या कहेंगे इसको? नौ का। देखो पहला शब्द क्या बना है, बोलो मेरे पीछे, पौधा, वेरी गुड, लौकी, कचौड़ी, तौलिया और नौका। ऐसे शब्द हमने बनाए हैं। पन्ना नंबर 39 पर इसके शब्द बताए गए हैं, वो आप उसको देखने अच्छे से बच्चों।